एनकाउंटर में दो नक्सलियों के मारे जाने पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि नक्सलाइट मूवमेंट को कभी भी पनपने नहीं देंगे। सरकार बनने के तीसरे दिन ही हमारी पुलिस ने बड़ा एनकाउंटर किया। बालाघाट नक्सली एनकाउंटर में फिर दो इनामी नक्सली मारे गए हैं। हमें हमारी पुलिस जवानों पर गर्व है। बालाघाट नक्सलाइट एनकाउंटर में मारे गए दो इनामी नक्सलियों को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस जवानों को बधाई दी है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि 29 लाख रुपए के इनामी डिविजनल कमांडर का मारा जाना अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। दूसरा 14 लाख के इनामी नक्सलाइट को मारना ये मध्य प्रदेश पुलिस की सजगता को बताता है। सीएम ने कहा कि नक्सलाइट मूवमेंट को कभी भी पनपने नहीं देंगे। 3 महीने पहले सरकार बनने के तीसरे दिन ही बड़ा एनकाउंटर हुआ था। मैं पुलिस बल को बधाई देना चाहूंगा जिनने नक्सलाइट के दो एनकाउंटर में अपनी सक्रिय भूमिका अदा की और खास करके ये जो बड़ी घटना हुई है जिसमें 29 लाख की इनामी डिविजनल कमांडर को मारा जाना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी प्रकार से 14 लाख का दूसरा इनामी नक्सलाइट मारना ये हमारी पुलिस की सजगता बताता है। कोशिश करेंगे कि ऐसी घटना जब भी हो तो जिन बल के जवानों ने अपनी शौर्य बहादुरी दिखाई है उनके लिए सरकार खड़ी है। उनके सभी प्रकार के बारे में सरकार विचार करेगी। मेरा पूरा समर्थन उनके साथ है, उनका प्रमोशन से लेकर सारे मामलों में, और यही चीज़ें हमको जनता में विश्वास बढ़ाने की तरफ ले जाती है। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर आप सबको बधाई। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।